एक कैमरा और एक फोन की फोटो में जो मेन फर्क होता है ना, वो होता है डेप्थ का। एंड डेप्थ को फेक किया जा सकता है यूजिंग AI। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब जेन्युइन रियलिस्टिक तरीके से लाइटरूम ने खुद लॉन्च कर दिया AI डेप्थ फीचर, जिसका मतलब हम किसी भी नॉर्मल सी फोन की फोटो में ऐसे डेप्थ को ऐड कर सकते हैं और फोटो बन जाएगी बिल्कुल DSLR वाली। बट ब्लर के अलावा और भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कलर्स और डायनेमिक रेंज। वेल, इस वीडियो में सब कुछ ट्राई करके एक नॉर्मल से एंड्रॉइड फोन की फोटो को एक हाई एंड DSLR वाली फोटो में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये है रेडमी का 12 Pro Max, जो कि एक बजट स्मार्टफोन है। और चलो इसे कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। तो इधर को अगर क्लिक करें तो सही नहीं आएगा, ये तुम पकड़ो, फिर मैं एक बार क्लिक करता हूँ। अब ये एक डिसेंट सी फोटो आ चुकी है फोन से ही, मतलब पता लग रहा है कि फोन की फोटो है। तो चलो इसको लाइट रूम में एडिट करते हैं एंड देखते हैं कैसे एडिट होती है। ओके, सो लाइट रूम के अंदर सबसे पहले फोटो को मैं करूंगा करेक्शन, क्योंकि ये फोटो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज लग रही है एंड डिटेल तो फोटो में बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ से एडिट में एंड यहाँ पर हम आएंगे कर्व टूल के अंदर, लाइट के अंदर चलते हैं एंड यहाँ से कर्व एंड अपनी फोटो में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहले मैं एक्सपोजर थोड़ा सा बीच से कम करूँगा एंड हाईलाइट थोड़ा सा अप करूँगा, शेडोज़ को भी थोड़ा सा कम कर दूँगा, ब्लैक पार्ट एंड सी इसको थोड़ा सा अप करेंगे अब। एंड अब देखिए जस्ट हमारा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा वापस आ चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ से जो है शेडो को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, हाईलाइट को थोड़ा सा कम करूँगा एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। एंड सी, अब हमारी फोटो एक नॉर्मल फोटो लग रही है, कॉन्ट्रास्ट हमारा थोड़ा सा वापस आ रहा है। अब सबसे पहले कुछ भी करने से पहले मैं इसमें डेप्थ ऐड करूँगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक फीचर है लाइट रूम का इस बार। तो ब्लर पे चलेंगे एंड यहाँ से हम ब्लर अमाउंट को फुल कर देते हैं। अब ये AI के जरिए हमारी फोटो में बिल्कुल रियलिस्टिक डेप्थ डाल देगा। ओके, सेटिंग फोकस एंड सी, भाई कितना रियलिस्टिक है यार ये, आई मीन हेयर्स को कितना सही से काम किया इसने। एंड इवन जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बिल्कुल नॉर्मल ब्लर नहीं है, उसमें एक रियल जो कैमरा से ब्लर होता है ना वो वाली फील है। एंड आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ये तो अभी सर्कल है, हम इसको बबल रख सकते हैं, बट मोस्ट रियलिस्टिक ये सर्कल ही लगता है, ठीक है। एंड यहाँ से आप फोकस पॉइंट भी आई थिंक चेंज कर सकते हो, बट हमने पोर्ट्रेट रखा हुआ तो सही है, हमारे सब्जेक्ट को फोकस कर लेगा। एंड अगर आपको कोई पॉइंट पे फोकस करना वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। इसको डन करते हैं एंड हमारी फोटो ऑलमोस्ट यहाँ पे ही लग रही है कि कैमरा की फोटो है, लेकिन इसमें अगर हम कलर ग्रेडिंग और कर देंगे ना तो इसकी क्वालिटी थोड़ी और एनहांस हो जाएगी। सबसे पहले फोटो में नॉइस बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से आऊँगा डिटेल्स के अंदर एंड नॉइस के अंदर आते हैं, यहाँ पे नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ी स्मूथनेस बढ़ाते हैं एंड थोड़ी सी डिटेल्स को बढ़ाते हैं। एंड अब आएंगे शार्पनेस में, थोड़ी सी शार्पनेस को ऐड करते हैं, नॉइस में आएंगे एंड नॉइस रिडक्शन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं। अब हमारी फोटो बिफोर आफ्टर ऐसी लग रही है एंड कलर नॉइस को थोड़ा कम करेंगे। तो ये हमारी फोटो में अभी जस्ट हमारी करेक्शन हुई है, ठीक है। बेसिक फोटो हमारी ऐसी लग रही है, अभी से फोटो बिल्कुल ऐसे DSLR वाली फील आ रही है। अब इसमें करते हैं कलर ग्रेडिंग, कलर्स के अंदर चलेंगे एंड सबसे पहले मैं इसकी वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ से कलर मिक्सर के अंदर एंड यहाँ से मैं चाह रहा हूँ स्किन टोन का जो कलर है इसको हम थोड़ा सा जो है रेड साइड पर रखें, ग्रीन मुझे थोड़ा ज़्यादा ओवर लग रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको, ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है एंड यस, ये पीछे वॉल का जो कलर है इसको थोड़ा सा इस तरफ ही रखते हैं, इसका ल्यूमिनेंस थोड़ा सा कम कर लेते हैं एंड जो स्किन का कलर है इसको थोड़ा सा दिखते हैं, आई थिंक थोड़ा प्लस हम कर सकते हैं इसको एंड इसकी ल्यूमिनेंस थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी एंड आई थिंक ये तो यहाँ पर डन हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पर सेलेक्टिव एडिटिंग, थोड़ी सी मास्किंग में चलते हैं एंड एक बार अपने सब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नाउ उसको हम इन्वर्ट कर देंगे एंड अब हम करेंगे थोड़ी सी लाइट को कम, मतलब एक्सपोजर थोड़ा सा डाउन करेंगे एंड सी बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो रहा है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है, सब्जेक्ट हमारा बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा है। तो बिल्कुल इतना भी नहीं कर देना, हल्का सा करना ताकि मिनिमल लगे बिल्कुल। एंड बैकग्राउंड का थोड़ा सा हम कॉन्ट्रास्ट भी कम कर सकते हैं। और आते हैं इफेक्ट्स में एक बार एंड यहाँ से हल्का सा विनियट ऐड करेंगे, तो ये देखिए ये रहा विनियट एंड हाईलाइट से विनियट को बढ़ा देंगे ताकि हमारी स्काई पर ये ब्लैक पार्ट ऐड ना हो, इसका हम फीदर फुल कर देंगे। एंड वापस आते हैं एक बार स्किन के लिए एक मास्क बनाते हैं, यहाँ से लेंगे रेडियल ग्रेडियंट, ओके एंड जस्ट ऐसे रखेंगे इसको, इसका हम फीदर जो है बिल्कुल बढ़ा देंगे, फुल कर देंगे एंड इसका थोड़ा सा बस हम एक्सपोजर बढ़ाएंगे बिल्कुल हल्का सा, थोड़ी सी शेडो को भी बढ़ा देंगे एंड डन। ये हमारी फ़ोटो एक नेचुरल जैसी कैमरा की फ़ोटो थी, अब वैसी लग रही है, आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर, यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। अब इसमें कलर ग्रेडिंग करने के लिए हम आते हैं यहाँ से एडिट में एंड कलर पे चलते हैं एंड ये कलर ग्रेडिंग वाला जो ऑप्शन है ये चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले शेडोज़ एंड पहले हम इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे एंड कलर चूज़ करते हैं शेडो के लिए, आई थिंक हल्का सा ग्रीन टोन सही रहेगा, ये आई थिंक सही है। एंड अब आते हैं हम अपने हाईलाइट पे पहले, यहाँ पर हल्की सी येलो टोन रखेंगे, सो देखिए स्किन बहुत अच्छी लग रही है येलो टोन में, सेम विद मिड टोन में भी थोड़ी सी येलो टोन रखेंगे, येलो सही आई थिंक, लेकिन बिल्कुल कम करेंगे मिड टोन से, बिल्कुल अराउंड 5-7%।
एंड ये तो हो गया डन। अब एक बार यहाँ से आएंगे लाइट में एंड कर्व टोन के अंदर जाते हैं एंड थोड़ा सा जो है येलो टोन को नीचे करते हैं, यहाँ से रेड वाली कर्व को हम शेडोज में से थोड़ा सा कम करेंगे एंड हाईलाइट थोड़ा बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा ये रहा यहाँ से बिल्कुल हल्का सा कम एंड यहाँ से थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया ताकि स्किन हमारी थोड़ी सी रेड रहे, जो कि अब बहुत ही सिनेमेटिक लग रहा है। डन एंड लास्टली आएंगे इफेक्ट्स में एंड यहाँ से हम जो है क्लैरिटी थोड़ी सी कम कर देंगे पूरी इमेज की ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी, टेक्सचर भी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो डी है इसको अराउंड इतना रखते हैं एंड नाउ यू कैन सी बिफोर एंड आफ्टर। अब आपको ये फोटो थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही थी क्योंकि हमने बहुत ही लो लाइट में फोटो क्लिक की थी एंड ये बहुत ही सस्ते फ़ोन की फोटो है, फिर भी आप इसकी थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ा के एनहांस कर सकते हैं आई थिंक। तो यहाँ पर आते हैं डिटेल में एंड थोड़ी सी इसकी शार्पनेस को बढ़ाते हैं, मास्किंग करते हैं एंड जस्ट इसको हम डबल फिंगर से टैप करके तो ये आपको दिख जाएगा, जस्ट लाइन जो हमारी एजेज है वहाँ तक रखेंगे एंड सी ये हमारी फ़ोटो हो चुकी है एडिट, बहुत ही रियलिस्टिक बहुत ही नेचुरल सी। अब इस फोटो को देख के लग भी नहीं रहा कि ये फोटो एक बजट फ़ोन से क्लिक की गई है, सेम आप बाकी फोटोज में भी कर सकते हैं। मैंने अपनी दूसरी फोटो एडिट की थी, मैं आपको दिखाता हूँ एक ये वाली फ़ोटो, ये देखिए ये भी हमने फ़ोन से उस टाइम पे क्लिक की थी एंड ये देखिए फोटो ऐसी लग रही है, बट बिफोर इस फोटो का ऐसा था, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। एक और तरीका, आप अपनी किसी भी नॉर्मल सी फोटो में ना बस हल्की सी डेप्थ डालने के बाद उसको जो है किसी प्रीसेट से भी एडिट कर सकते हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पर एडिट में आते हैं एंड बस अपनी फोटो में यहाँ से ब्लर इफेक्ट डाल देंगे, ठीक है। एंड इसको ओके करने के बाद अब हम यहाँ से आते हैं अपने प्रीसेट्स के अंदर एंड यहाँ से आप कोई भी प्रीसेट चूज कर सकते हैं प्रीमियम में जाकर या फिर आपके पास जो प्रीसेट है। एंड यहाँ पे मेरे खुद के यूएस प्रीसेट जो मैंने खुद अपने बना रखे हैं, तो ये वाले मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी दे रखे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मेरा ये कि डस्क वाला प्रीसेट है, इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे, ओके। एंड मुझे बताइए यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक ज़्यादा अप हो रखे हैं, तो लाइट में जाऊँगा कर्व में जाऊँगा एंड जो ये ब्लैक वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा जो है नीचे कर लूँगा तो हमारा कॉन्ट्रास्ट भी वापस आ जाएगा। शेडोज़ को जो है थोड़ा सा कम कर लूँगा, मतलब ये बस आपको अपनी फोटो के हिसाब से थोड़ा चेंज करना है एंड डन। एंड ये देखिए एक क्लिक में आपकी नॉर्मल फ़ोन की फोटो ऐसी एक कैमरा की फोटो में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको फोन की फोटो कैसे एडिट करना ये सारा कुछ समझ आ चुका होगा। अब जाओ अपने फोन से फोटोज क्लिक करो, नो एक्सक्यूजेस एंड उसको एडिट करो एंड टैग करना मुझे इंस्टाग्राम पे, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड बाय द वे ये एआई डेप्थ वाला फीचर आपको लाइट रूम के प्रीमियम में ही मिलेगा शायद से, तो अगर आपने खरीद रखा तो सही है, अगर आपने नहीं खरीदा तो क्रैक व्रैक कहाँ से क्या करना सब देख लेना भाई, मैं तो नहीं बताऊँगा।